हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लार्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए देखिए हमने मूढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है और लंबाई हमारी 13 इंच है और चौड़ाई 9.5 इंच है। 5 इंच पर हमने मूढ़े का निशान लगाकर काटा है। ये देखिए हमने पार्कर भी दिखाया है, ये 5 इंच पर हमने निशान लगाकर मूढ़े का शेप लिया है। अब हम 2 इंच गला के लिए लेंगे और 9 इंच गले का डीपनेस रखेंगे और हम इसे पहले बॉक्स बना लेंगे। और इसमें हम पान गले का शेप दें। देखिए यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम पान गले का शेप लगाएंगे। तो देखिए हमने शेप को काट लिया है, शेप लगा का चिन्ह लगा लिया है। अब हम इसे काट देंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो देखिए हमने कपड़े पर भी गले को काट लिया है और अब हम पहले गले कपड़े और अस्तर को अच्छी तरह से रखते हुए पहले हम बराबर से रखते हुए एक पिन लगा लेंगे और गले की सिलाई कर देंगे। चारों तरफ हम गले की सिलाई करेंगे पहले। और अब हम नीचे भी सिलाई कर लेंगे और अब हम हल्का हल्का कट लगा कर इसे उलट लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से उलट लेंगे अच्छी तरह से पहले। और अब हम गले पर एक सिलाई लगा देंगे। अच्छी तरह से उलटते हुए हम गले पर एक सिलाई लगा देंगे ऊपर से। तो देखिए हमने गले की सिलाई लगा दी है और नीचे भी हम सिलाई लगा लेंगे। और अस्तर और कपड़े को अच्छी तरह से रखते हुए हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। आधे गले पर हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। देखिए हमने निशान लगा लिया है और इसे आपस में हम मिला भी लिए हैं। और अब हम देखिए एक पट्टी लिए हैं, इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए निशान के ऊपर रखते हुए सिलाई करते जाएंगे। देखिए इस तरह से हम निशान के ऊपर रखते हुए सिलाई करते जाएंगे। इस तरह से देखिए हमने सिलाई कर लिया है और इसे पलटते हुए हम इसे सिलाई लगा देंगे। इसे हम इस तरह से पलटते हुए सिलाई लगा दिए हैं और एक निशान और हम 1 इंच का मार्जिन पर रखते हुए लगाए हैं और इसे भी हम निशान के ऊपर डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को सिलाई लगा देंगे। ये पट्टी भी हमारी 1.5 इंच की थी और इस तरह हम इसे डबल करते हुए इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह देखिए हमने सिलाई लगा लिया है और यहाँ पर हम एक 1.5 इंच का पट्टी लिए हैं। ये पट्टी हम 2 कलर में लिए हैं, एक काले कलर में और एक साड़ी के कपड़े के कलर में। इस पट्टी की चौड़ाई 2 इंच है और इस दोनों पट्टी की चौड़ाई 2 इंच है और इसे हम एक दूसरे पर रखते हुए दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह हमने दोनों तरफ सिलाई लगाकर इसे पलट लिया है और इसे हम प्रेस कर दिए हैं और इस पर हम थोड़ा छोटा छोटा चून लगाते हुए इस तरह सिलाई करते जाएंगे। पूरे पट्टी पर हम इस तरह से चून लगा लिए हैं और यहाँ पर हम एक टुकड़ा लिए हैं 2.5 इंच का और इसे हम इस तरह त्रिभुज का आकार देंगे। देखिए इस तरह से हमने त्रिभुज का आकार दे दिया है और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम रखते हुए सिलाई लगा दिए हैं। ये देखिए दोनों को हम इसी तरह से सिलाई लगाकर जोड़ लिए हैं और इसे हम एक साइड गले पर लगाएंगे और यहाँ पर हम एक पट्टी लगा देंगे और इस तरह से हम ऊपर का डिजाइन बनाए हैं। अब जो हम चून लगाए हैं उसे हम इस तरह से लगाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों ब्लाउज के दोनों तरफ हम चून डाल रहे हैं और यहाँ पर हमें काले रंग के पट्टी फिर लिए हैं 1.5 इंच का और इसे हम नीचे लगा देंगे।
इस तरह से देखिए हमने पहले डबल करके सिलाई कर लिया है, फिर ऊपर से इसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लिए हैं। अब जो हमने चून बनाया है इसे दोनों तरफ से मोड़ते हुए एक एक मोती लगाते जाएंगे इस पर। इस तरह देखिए हम एक एक मोती लगाते जाएंगे सभी चून के ऊपर। तो देखिए हमने सभी चून के ऊपर मोती लगा लिया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।